हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। तो आज की वीडियो में मैं बीआर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का जो रिक्रूटमेंट पेपर है 24 जुलाई को, उसके रिगार्डिंग और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, एन एमरजेंसी रूम नर्स इज असेसिंग अ 22 ईयर ओल्ड मेल हु हैज बीन यूजिंग ओपियॉइड्स। सो व्हाट सिम्टम्स इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज ओवरडोज of opioid, and the options are: option number A is constricted pupil, option number B is vomiting, option number C is pupillary dilatation, and option number D is tachyapnea. तो इसका जो correct answer है वो है option number A, constricted pupil, because अगर हम opioid overdose ट्रायड की बात करते हैं तो उसमें हमारे तीन सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, दैट इज पिन पॉइंट प्यूपिल, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड अनकॉन्शियसनेस। तो जो ओपियोइड पॉइजनिंग होती है, ओपियोइड पॉइजनिंग के जो पेशेंट्स होते हैं तो उनमें हमें पिन पॉइंट प्यूपिल जो है वो देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा पेशेंट को, जो देयर विल बी नो टेकीएपनिया, इंक्रीज रेस्पिरेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको उसमें डिक्रीज रेस्पिरेशन मिलेगा, एंड द पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद अनकॉन्शियसनेस। Now the next question is, which of the following pairs is not the negative symptom of schizophrenia? And the options are, option number A is emotional flattening and asociality, option number B is anhedonia and amotivation, option number C is poverty of speech and apathy, and option number D is hallucination and bizarre behavior. So schizophrenia में हम हमेशा एक positive symptoms पढ़ते हैं और negative symptoms पढ़ते हैं। तो इस question में इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा pair है जो कि negative symptom नहीं है schizophrenia का। तो इसका जो correct answer है वो है option number D, that is hallucination and bizarre behavior. तो पॉजिटिव सिम्टम हम कब बोलते हैं, जबकि पेशेंट के बिहेवियर में या उसके थॉट्स में कुछ भी चेंज हो। तो जैसे कि पेशेंट को हेलुसिनेशन है या डिल्यूशन है, तो ये पेशेंट के पॉजिटिव सिम्टम्स में आता है। और अगर हम नेगेटिव सिम्टम्स की बात करते हैं तो नेगेटिव सिम्टम्स में हम उन चीज़ों को लेते हैं लाइक जिसमें कि जो पेशेंट है वो खुद को वर्ल्ड से विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, कुछ किसी भी काम में करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, सोसाइटी के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं रखता, मतलब इमोशनलेस है। तो वो जो हमारे सिम्टम्स हैं वो हमारे नेगेटिव सिम्टम्स में आते हैं। तो इसमें जो हेलुसिनेशन और बिजारे बिहेवियर है वो हमारे नेगेटिव सिम्टम नहीं है पेशेंट का। Now the next question is, a client developed a temperature of 102 degree Fahrenheit following coronary artery bypass surgery. The nurse should notify the physician immediately because elevation in temperature leads to, and the options are, option number A is increased cardiac output, option number B is indicate cardiac tamponade, option number C is decreased cardiac output, and option number D is increased graft rejection. So jo patient hai उसकी अभी अभी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग हुई है, सीएबीजी हुआ है, और पेशेंट को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है। तो इनमें से जो सिस्टर है, जो नर्स है, वो डॉक्टर को इमिडिएटली नोटिफाई करेगी। क्यों? बिकॉज जब भी एलिवेशन इन टेम्परेचर होगा तो पेशेंट का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और पेशेंट का कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, तो जिसकी वजह से ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग हुई है तो हार्ट के ऊपर और ज़्यादा वर्कलोड इंक्रीज होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ड्यू टू फीवर द पेशेंट विल हैव इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client with tuberculosis has a prescription for ethambutol. The nurse should tell the client to notify the doctor immediately if he notices change in hearing, red discoloration of body fluid, tingling sensation of arms, or change in color vision. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चेंज इन कलर विजन, बिकॉज इथाम्ब्यूटोल जो है इट इज अ एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग जो कि हम ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को देते हैं, एंड इसका जो मेन साइड इफेक्ट है वो है दैट इट विल लीड टू न्यूराइटिस, आई न्यूराइटिस। तो जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको कलर विजन में प्रॉब्लम आएगी। अगर हम चेंज इन हियरिंग की बात करते हैं तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से होता है, रेड डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड जो है वो रिफैम्पिसलिन की वजह से होता है, एंड टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ आर्म दैट इज पेरिफेरल न्यूराइटिस जो कि आइसोनियाजाइड की साइड इफेक्ट है। Now the next question is,
The nurse is preparing to administer a feeding via nasogastric tube. The nurse would perform which of the following before initiating the feeding? And the option are, option number A is assess the tube placement by aspirating gastric content. Option number B is place the patient in left lying position. Option number C is administer feeding with 50% dextrose. And option number D is ensure the feeding solution has been warmed in a microwave for 2 minutes. So whenever a nurse is feeding a patient who is on nasogastric tube, हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि हर फीड से पहले हमने पेशेंट की ट्यूब प्लेसमेंट चेक करना है. सो द करेक्ट आंसर इज असेस द ट्यूब प्लेसमेंट बाई एस्पिरेटिंग गैस्ट्रिक कंटेंट. तो हमें ऑलरेडी पता है कि 3 मेथड्स होते हैं नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब की प्लेसमेंट चेक करने के लिए. एक तो है हमारा कि हमने गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेट करके देखना है और उसके बाद उसकी एसिडिटी चेक करनी है, अगर पीएच चेक करना है, और अगर वो एसिडिक है तो दैट इज इट इंडिकेट्स कि इट इज अ गैस्ट्रिक कंटेंट बिकॉज हमारे स्टमक में एचसीएल होता है. सेकेंड है कि हमने 10 ml सिरिंज में एयर भरनी है और वो पेशेंट की पुश करना है, और विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हम स्टमक के ऊपर रख के लिसन करेंगे कि वहां पे हमें आवाज सुनाई दी कि नहीं. और थर्ड होता है कि विद द बाउल ऑफ वाटर वी विल चेक कि वहां पे बबल्स हैं कि नहीं है एट द टिप ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब. अगर उसके ओपनिंग के पास बबल्स हैं जब हम उसको पानी के पास रख रहे हैं तो इसका मतलब कि एयर की वजह से बबल बन रहे हैं, तो द प्लेसमेंट इज नॉट करेक्ट, द एनजी ट्यूब इज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक. Now the next question is, a person with schizophrenia was found to repeat whatever words the psychiatric nurse was speaking. This behavior can be labeled as, and the options are echoparexia, option number B is neologism, option number C is word salad, and option number D is echolalia. So the correct answer is option number D, that is echolalia, that is the repetition of the word. Agar repetition of actions आएगा तो that is echoparexia, and neologism is a word, मतलब कोई भी new word जो कि exist नहीं करता है वो patient ने अपने आप बनाया है. Now the next question is, which gas is used in laparoscopic surgery, and the options are nitric oxide, nitric dioxide, carbon dioxide and atmospheric air. And the correct answer is option number C, that is CO2 is used in the laparoscopic surgery. Now the next question is, a nurse performs pre-operative teaching for a client who is to have a cataract surgery, and which is most important instruction for the client. And the options are, option number A is remain flat for 3 hours. Option number B is eat soft diet for 2 days. Option number C is cough and breathe deeply. And option number D is avoid bending from waist. So cataract surgery जब भी patient की होती है तो उसके पास कुछ हमारी interventions होती हैं जो कि patient को follow करना होता है ताकि उसका जो intraocular pressure है वो increase ना हो. तो इसमें हमें diet से कोई मतलब नहीं है, patient soft diet जो normal diet हम लेने के लिए बोलते हैं. Cough and deep breathing हम मना करते हैं करने के लिए क्योंकि इन एक्टिविटीज की वजह से आईओपी इंक्रीज हो सकता है. एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो हमने इंस्ट्रक्ट करना है कि अवॉइड बेंडिंग फ्रॉम वेस्ट, कि वेस्ट से बेंड नहीं करना, नीचे को नहीं झुकना है, क्योंकि अगर पेशेंट नीचे को झुकेगा तो अगेन आईओपी जो है वो इंक्रीज होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Now question number 9 is, which of the following is the best method to relieve constipation during pregnancy? And the options are laying flat on the back while sleeping. Option number B is increasing the intake of vegetable and fruit. Option number C is reduction of iron intake. And option number D is taking mild over-the-counter laxatives. So, isme jo correct answer hai, that is option number B, that increasing the intake of vegetable and fruit, because these both things are rich in fiber. Aur hamare constipation ko prevent karne ke liye fiber rich diet chahiye. Hum pregnant female ko laying flat on the back mana karte hain, kyunki agar hum hamesha side lying position ke liye bolte hain, agar patient jo mother hai wo back ke upar let rahi hai, seedha let rahi hai, to uski wajah se kya hai, jo placental insufficiency will be there, there will be pressure on the vena cava, placental insufficiency hogi, to uski wajah se jo bachcha hai usko proper blood nahi milega.
एंड किसी भी तरीके का ओवर द काउंटर मेडिसिन हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मना करते हैं और मदर को बोलते हैं कि आयरन के साथ मदर को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है बट आयरन खानी बंद नहीं करनी है, आयरन को कंटिन्यू रखना है बिकॉज टू प्रिवेंट द एनीमिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेशेंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक किटोएसिडोसिस इज बीइंग ट्रीटेड इन द एमरजेंसी रूम. Which finding would a nurse expect to note as confirming this diagnosis? So we know that diabetic ketoacidosis जो है वो diabetes type 1 का complication है. तो इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा? Elevated blood glucose level and low plasma bicarbonate, decreased urine output, decreased respiration or cold skin. And for this the correct answer is option number A, that is elevated blood glucose level and low plasma bicarbonate. So diabetic ketoacidosis mein due to the deficiency of insulin jo hai, the patient will be present with hyperglycemia. Patient ka jo blood glucose level hoga wo bahut high hoga kyunki due to the deficiency of insulin jo glucose tha wo cells tak nahi pahunch pa raha tha. Second thing, the patient will be present with metabolic acidosis. मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो जो प्लाज्मा बाइकार्बोनेट होंगे वो कम होंगे और पेशेंट को कीटो एसिडोसिस होगा, कीटोन्स विल बी प्रेजेंट इन द ब्लड एज वेल एज इन द यूरिन एंड पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा एंड इसमें जो डिक्रीज रेस्पिरेशन है वो नहीं होगा बिकॉज इन द पेशेंट विद डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वी विल सी कुशमल रेस्पिरेशन, दैट इज हाइपर वेंटिलेशन विल बी देयर. पेशेंट जो रैपिड रेस्पिरेशन लेगा एंड इसी के साथ जो पेशेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स जो पेशेंट का ब्रेथ होगा दैट विल बी फ्रूटी ऑर्डर विल बी देयर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी फॉर सीवियर प्री एक्लेम्पशिया. What initial sign of toxicity should alert the nurse to intervene? And the options are hyperactive sensorium. Option number B is increase in respiratory rate. Option number C is lack of knee jerk reflex. And option number D is development of cardiac dysarrhythmia. So magnesium sulfate hum eclampsia mein dete hain. And the antidote of magnesium sulfate is calcium gluconate. तो जब भी patient को magnesium sulfate की toxicity होगी तो हमें तीन चीजें देखनी होती हैं. The first one is decreased respiration. जो patient का respiration rate होगा वो कम होगा. Urine output जो होगा वो कम होगा. And the third one is lack of knee jerk reflex. तो इसमें जो correct answer है that is option number C. तो हमने तीन चीजें देखनी होती है कि respiration पेशेंट का कम होगा दैट विल बी लेस देन 14 ब्रेथ्स पर मिनट, यूरिन आउटपुट विल बी लेस दैट इज लेस देन 30 ml पर आवर एंड देयर इज द एब्सेंस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट अराइव्स एट हॉस्पिटल एट 38 वीक्स जेस्टेशन विद प्रोफ्यूज ब्लीडिंग वजाइनल ब्लीडिंग. शी स्टेट्स दैट इट अकर्ड सडनली विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन. Which condition may the client be experiencing that required immediate notification of the healthcare provider? And the options are placenta previa, placenta accreta, ruptured uterus or concealed abruptio or placenta abruptio. क्योंकि इसमें client है 38 weeks के बाद आया है, profuse bleeding है without pain. So जो painless bleeding होती है वो हमें placenta previa में देखने को मिलती है. So the the thing will that the client may be present with placenta previa. In case of abruptio placenta, the patient will have concealed or bright colored bleeding, and here the patient will be present with painful bleeding. Now the next question is, for a patient with history of road traffic accident, following is true. Tracheal intubation is contraindicated. Blood transfusion is first line of treatment. Cervical spine injury is to be suspected and patient should immediately be put in lateral position. So, जब भी हमारे पास road traffic accident का patient आता है तो हमेशा हमने उसमें cervical spine injury जो है वो suspect करनी है. तो the correct answer is option number C. Now the next question is immunoglobulin that can cross the placental barrier and reach the fetal circulation is IgG, IgA, IgM or IgD. And the correct answer is IgG. Option number A is the correct answer. IgG jo hai wo placenta cross karke fetal circulation mein enter karti hai.
Now the next question is, hydrophobia is clinical feature of plague, rabies, anthrax or filaria? And the correct answer is option number B, that is rabies. So the patient who is having rabies, they will have hydrophobia, means phobia from water, fear from water. Now the next question is, intradermal injection is given at 15 degree angle, 30 degree angle, 45 degree angle or 90 degree angle. So the correct answer is option number A, that is 15 degree angle. Now the next question is, which of the following is a DNA virus? Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C or hepatitis D? So the correct answer is option number B, that is hepatitis B. Other all the hepatitis virus are RNA in nature. Only hepatitis B virus is DNA. Now the next question is, breast milk can be stored at room temperature for how many hours? And the correct answer for this is option number B, that is 4 hours. So 4 hours, the breast milk can be stored at room temperature for 4 hours. Now the next question is, which of the following hepatitis spread by fecal-oral route? And the options are hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C and hepatitis D. So the correct answer is option number A, that is hepatitis A. Hepatitis A and hepatitis E are the two hepatitis that are spread by fecal-oral route. Rest hepatitis B, hepatitis C or hepatitis D jo hai wo blood just sexual contact ke through स्प्रेड होते हैं. इनमें से जो हेपेटाइटिस बी है, जिन पेशेंट्स को हेपेटाइटिस बी होगा उन्हीं को आगे जाके हेपेटाइटिस सी हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए इज इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर बी इज सबडर्मल इम्प्लांट्स, ऑप्शन नंबर सी इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्यूबेक्टमी. तो अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं तो दो तरह की होती है, वन इज परमानेंट, अदर वन इज टेम्पररी. एंड द परमानेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्यूबेक्टमी. ट्यूबेक्टमी इज डन इन फीमेल्स, वेयर एज वैसेक्टमी इज डन इन मेल. एंड रेस्ट अदर थ्री ऑप्शंस आर फ्रॉम temporary permanent temporary family planning method. Now the next question is, which of the following is used to assess the level of consciousness? So the options are Apgar score, Braden score, Glasgow coma scale or Snellen chart. And the correct answer is option number C, that is Glasgow coma scale, jisme ki hum patient ka eye response, मोटर रिस्पॉन्स और वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं. एंड इसमें जो मैक्सिमम स्कोर है दैट इज 15 एंड मिनिमम स्कोर इज 3. तो दिस इज फॉर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. अपगार स्कोर हम न्यूबॉर्न में चेक करते हैं इमिडिएटली आफ्टर द बर्थ एंड आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ द बर्थ. ब्रेडन स्कोर हम प्रेशर सोर को चेक करने के लिए करते हैं, प्रेशर सोर के लिए. एंड स्नेनल चार्ट हमारा, इट इज अ चार्ट दैट वी आर यूजिंग फॉर द विजुअल एक्विटी, आई साइड के लिए चेक करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स शुड अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी इज प्राइमरली यूज्ड इन साइकेट्रिक केयर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया और मेनिया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिप्रेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स इज कंडक्टिंग अ डाइटरी असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट who is on a vegan diet. The nurse should plan to provide dietary teaching, focus on food item high in which vitamin that may be absent in vegan diet. And the option are vitamin A, vitamin B12, vitamin C and vitamin E. So this, the correct answer is option number B, that is vitamin B12. Okay, vitamin B12 ki deficiency se the person will have pernicious anemia. And jo vitamin B12 hai, wo vegetarian diet mein nahi hota hai, non-vegetarian diet mein hume milega. Now the next question is, a nurse is doing endotracheal suctioning. During the procedure, the nurse notes decreasing heart rate on the monitor. What should be the first priority action? And the option are
ऑप्शन नंबर ए इज कंटिन्यू टू सक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज स्टॉप द प्रोसीजर एंड रीऑक्सीजनेट द पेशेंट, ऑप्शन नंबर सी इज एंश्योर दैट सक्शन इज लिमिटेड टू 15 सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर डी इज नोटिफाई द फिजिशियन इमिडिएटली. सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इमिडिएटली स्टॉप द प्रोसीजर एंड रीऑक्सीजनेट द पेशेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन वन आर्टरी एंड वन वेन, one artery and two vein, two artery and one vein, and two arteries and two vein. So the correct answer is option number C, that in umbilical cord there is two arteries and one vein. Arteries carries deoxygenated blood, whereas veins carries the oxygenated blood. So आज की वीडियो के लिए हमने इतने ही questions discuss किए हैं. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.